यस स्टूडेंट क्लास 11, जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं आप क्लास में, इवोल्यूशन क्वेश्चंस विद मिसिंग वैल्यूज, पेज 19.81 और क्वेश्चन फर्स्ट है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको क्लास में। ये इवोल्यूशन क्वेश्चन जैसे है, इसे मिसिंग वैल्यू लिखी होती है, मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन पूरी करनी होती है। इससे पहले क्वेश्चन की पांच इंफॉर्मेशन लिखी हो गई, ओपनिंग स्टॉक 25 लीटर, सेल माने सेल का और क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पे लिखा गया क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवोल्यूशन का, पेज है इसका 19.81। शुरू करते हैं, ध्यान देना, एडजस्टमेंट की क्वेश्चन दे रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन बताया अमाउंट ऑफ परचेस इन टू टेक मशीन परचेस और 1 अक्टूबर 2019
कैशियर बैंक का 9,500 रुपये, स्टॉक ओपनिंग क्वेश्चन में देगा 40,000, वेजेस होती है, सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है 2400, परचेज रिटर्न क्वेश्चन में देखिए 190, रिपेयर 1675, ये अकाउंट में आ गया रिपेयर 1675, डेटर्स 30,000, और डेटर्स पर कुछ दो एडजस्टमेंट दे रखी है, एक तो 400 में से माइनस, तो सबसे पहले पीएनएल के डेबिट साइड में आ गया एडिशनल बैड डेट 400 और डेटर में से माइनस हो गए एडिशनल बैड डेट 400, ये आ गया 2600 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, डेटर्स के लिए 29,600 तो 5% या 1480 प्रोविजन एज यूजुअल पीएनएल के राइट साइड में, प्रोविजन फॉर बैड डेट या 1480 और प्रोविजन फॉर बैड डेट 1480 ये आ गया 28,120, ये हो गया आपके टैक्स। देन डेटर्स का क्वेश्चन देखिए, क्रेडिटर्स 3,005, बैड डेट 2,310, ये बैड डेट नॉर्मल बैड डेट 2,310, डिस्काउंट अलाउड 800, डिस्काउंट अलाउड 800, डिस्काउंट रिसीव 5%, कैपिटल 37,500, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 600 रुपए, नीचे कुछ लोन दे रखा है 12% 20,000, क्वेश्चन में 12% लोन दे रखा है 20,000, अगर आप 20,000 रुपए का 12% निकालते हैं तो ये 2400 रुपए निकल के आता है, तो 2400 निकल का है, क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है वो दे रखा है सिर्फ 600, जबकि बाहर आना सिर्फ 2400, क्योंकि अगर 20,000 में 12% निकालोगे तो 2400 आएगा, जबकि कुछ उसे 600 दे रखा, मीन्स 600 रुपीज तो पेड हो गया, बाकी आपका आउटस्टैंडिंग, तो
बाकी जो इंटरेस्ट बचा आपका वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बचा 1800 रुपये, और ये आ गया आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1800। फिर सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है 8000, सैलरी का डिस्क्रिप्शन दे रखी है इन्होंने, सैलरी अनपेड रही 800 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग 800, ये आ गया 8800, और बाहर आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग सर्विस एट। देन पोस्टल एंड कुरियर शायद यही कम पड़ेगी, तो बाकी के लिए भी 800 रुपये। क्वेश्चन दे रखा आपका पोस्टल एंड कुरियर, ये दे रखा है 800। देन फ्राइट इनवर्ट 500 रुपये, इनवर्ट ट्रेडिंग आएगा, इंश्योरेंस 1000, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, यह बताया इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट प्रीपेड दे रखा है 300 रुपये माइनस प्रीपेड, ये लिखा रेंट इज पेड अप टू 30 जून, रेंट 30 जून तक के पे यानी अप्रैल में जून 3 महीने रेंट को फालतू पे किया गया, तो जो क्वेश्चन में रेंट दे रखा वो दे रखा 2000, रेंट के लिए क्वेश्चन बता कि रेंट जो पे किया है 30 जून तक के लिए पे किया, लेकिन रेंट 3 महीने का फालतू है, यानी रेंट 12 से 15 महीने का पे कर रखा है, तो जो क्वेश्चन प्रीपेड निकल के आएगा वो आएगा 2000 × 3/15 यानी कि 400, 1600 बाहर आ गया, और ये क्वेश्चन का आ गया प्रीपेड रेंट 400। रेंट 30 जून तक पे कर रखा, टोटल 12 महीने होते, 12 महीने में 3 महीने का फालतू पेमेंट हो रखा, यानी कि रेंट पे हो रखा 15 महीने का, तो 2000 तो 3 मंथ के लिए है, एडवांस कितने का 3 महीने का, ये निकल गया 400। देन मशीनरी हो चुकी है हमारी, बट कोई मशीन हो चुकी है एडजस्टमेंट लोन साल हो चुकी है आपकी, स्टॉक क्लोजिंग क्वेश्चन देगा 40,925,
क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन है 40,925। और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन यहां भी आ गया 40,925। अब इस क्वेश्चन की क्लोजिंग होगी, सबसे पहले क्लोजिंग करते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग अकाउंट इसमें ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा टोटल मार्केट का 219,025 रुपये, 219,025। इन सबको घटा कर क्वेश्चन में निकल के आया लॉस को सी, और ये निकल गया हमारे सीधे 31,900। ग्रोथ हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ डाउन 31,900। इन्हें जोड़ के ओके बेटा।